राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज से हमारे YouTube चैनल पर गणित की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक करके रख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज की क्लासेस होगी छत्तीसगढ़ में, देखिए लघुत्तम समाहर्तक और महत्तम समाहर्तक। तो पहला क्लास देखेंगे लघुत्तम समाहर्तक। तो चलिए आज का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी के लिए ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं LCM SCF से पूछे जाने वाले प्रश्न, सीधा दिमाग में उतार दूंगा। ऐसे ट्रिक लेकर आया हूँ जो बिल्कुल एक सेकंड में आसान तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम हो, PSC हो या रेलवे हो, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में पूछा जाए, चाहे व्यापम में हो या PSC में, एग्जाम में गणित का सवाल एक ही प्रकार का आता है। लघुत्तम समाहर्तक कैसे निकालेंगे, शॉर्ट तरीका मैं आप सभी को बताऊँगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालें, यानी कि LCM कैसे निकालना है। अगर आप चैनल पर जुड़ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके जरूर रखें। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, ठीक है, एक वीडियो को लाइक करके जरूर रखें। चलिए अब देखिए, 24, 36 और 40 का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो आपको 1 से 2 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आसान तरीका बताऊंगा मैं, तो वो आसान तरीका क्या है तो ध्यान से समझिएगा। 24, 36 और 40 का LCM कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24, 36 और 40 का LCM कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालना है, ठीक है। एक बार ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन में आप लोग को दूंगा, फिर से आप लोग सॉल्व बनाइएगा। देखिए 24 को ऐसे ट्रिक में तोड़िए कि यहाँ पर कॉमन निकल जाए, तो किससे तोड़ेंगे, 8 + 24, ठीक है। उसी प्रकार 36 को किससे तोड़ेंगे, 9 + 36, ठीक है। उसके बाद 40 को किससे तोड़ेंगे, 40 को 8 × 5 = 40, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कैसे तोड़ना है। यहाँ कॉमन क्या है, 8, यहाँ कॉमन क्या है, 8, यहाँ 4 का बड़ा लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा, 8, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 8, यानी कि यहाँ पर कॉमन क्या निकल कर आया है, 8 निकल कर आया है। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, 9 कॉमन निकल गया है, उसी पर यहाँ पर 5 है, 5 कॉमन निकल गया है, ठीक है। 8 निया कितना होता है, 72, 72 × 5 कितना होता है, 72 × 5 = 360। ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन तीसरा दिख रहा है। बड़ी सी बड़ी संख्या को लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब 4 कैसे बच गया बोलोगे, तो यहाँ नहीं, देखें ये 4 और 8 में LCM निकालेंगे कितना आ जाएगा, आपका LCM 8 ही आएगा ना, तो वही आपका बड़ा वाला कॉमन निकाले हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे ट्रिक एग्जाम में आपको बेहतरीन क्लास बनाने के लिए समय मिलेगा। चाहे यह प्रश्न रेलवे में पूछा हो या व्यापम में पूछा हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निकालना क्या है, ट्रिक निकालना है, सॉल्व कैसे करना है एक मिनट में। अगर एग्जाम में ऐसे ही सवाल आ जाता है तो ध्यान से समझिएगा कैसे 26, 56, 104 और 182 का LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। LCM निकालने के लिए आप समय बहुत लग जाएगा, तो ट्रिक से हल कीजिए कैसे 26, 56, 104 और क्या है यहाँ पर 182, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, 26 को किस 26 को तोड़ेंगे किससे आएगा, 13 × 26, 13 × 26, ये वाला तोड़ेंगे तो 56 को किससे तोड़ेंगे, 14 से, 14 + 56, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 104 किससे तोड़ेंगे, 104 को 7 से तोड़ेंगे, ठीक है, 13 × 8 = 104। उसके बाद 182 को किससे तोड़ेंगे, तो 182 को 13 × 7 × 2, ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 13 × 7 × 2। अब सभी में कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद 14 यहाँ पर कॉमन निकल गया, उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद क्या निकलेगा, 8, इसके बाद क्या कॉमन निकलेगा, 7। यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो 13 × 8 = 104 से 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 728 का ऑप्शन किस में दिख रहा है, 728 आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से निकालेंगे। यह क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो तीसरा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ट्रिक से निकालेंगे। ऐसे आपको ज़िंदगी में कोई नहीं बताएगा ऐसा ट्रिक, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक वीडियो में कमेंट जरूर करिए दोस्तों।
वीडियो को आप सब्सक्राइब करो या ना करो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कंटेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंटेंट समझ में आने लगेगा तो खुद ब खुद वीडियो को सब्सक्राइब करोगे जरूर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लघुत्तम समार्थक कैसे ज्ञात करना है। 28, 35, 56 और 84 का अगर देखिए ऐसे ट्रिक से निकालेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, है ना। तो ट्रिक से निकालेंगे, अब निकालते हैं 28, 35, 56 और 84 का एलसीएम। तो 28 कितने से आ जाएगा, 7 चौक 28, उसी को 35 से कितने करेंगे, 7 गुना 5 करेंगे, 7 पंचे 35, 56 कैसे निकलेगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 84 कैसे निकलेगा, 84 जल्दी बताइए 84 कैसे निकलेगा, 12 सत्ते 84। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 7, 4 तीय 12 और 12 सत्ते 84। अब इसमें कॉमन क्या निकल कर आया, कॉमन देखिए क्या कॉमन निकल कर आया, 7 7 7 यहाँ पर 7, तो यहाँ 7 कर देंगे। उसके बाद देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ 8, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8, ठीक है। तो 8 लिखेंगे, कॉमन क्या निकल के आएगा, एलसीएम इसका 8 निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर 5 और 3 बज गया, 5 और 3 बज गया, ठीक है। अब यहाँ ये वाला 3 बज गया, अब इससे गुणा कर देंगे, 7 8 56, 56 पंचे कितना होता है जल्दी बताइए, 56 पंचे और 5 दिया 15, यानी कि इसका सभी का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, 840 होता है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, 840। ऐसे ट्रिक से सबसे सरल और आसान तरीका है, एक सेकंड में आपका निकल जाएगा। अगर ये ट्रिक आपने सीख लिया तो ज़िंदगी भर आपको और कोई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम निकालने के लिए। महत्तम समार्थक कैसे निकालेंगे ये भी आपको ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, ये वाला एग्जाम में पूछा ही जाता है, जितने भी प्रश्न पूछे गए मैं एग्जाम से ही लाया हूँ। ये व्यापम रेलवे एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3/4, 6/7 और 9/8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर बट्टा वाला में पूछा जाए तो इसका ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एमसीए निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 3, 6, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 9 ही रहेगा, ठीक है। ऊपर में कितना आ जाएगा, 9, ठीक, एक मिनट ना, 9 नहीं 18 आएगा इसका, यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा एलसीएम इसका, 18 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4, 7 और 8, ये 4, 7, 8 का महत्तम निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, इसका मतलब कोई यहाँ पर देखिए इसका कोई वैल्यू अभी नहीं है, इसका 4, 7, 8 क्या है, इसका महत्तम समार्थक नहीं निकलेगा, मतलब कोई हल नहीं है, तो इसका आंसर 1 आएगा, महत्तम 1 आएगा। तो 18/1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर 1 से 18 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला दिख रहा है, 18 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, व्यापम पीएससी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। चैनल को एक बार वीडियो को क्या करोगे, लाइक करके रख लोगे, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर रखें दोस्तों, लाइक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2, 3 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 3 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको देखिए डायरेक्ट इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 7, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। अगर विषम संख्या आ जाए और सम संख्या आ जाए तो हमेशा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। विषम और सम आ जाए तो गुणा ही करेंगे, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए 7 या 21 और 21, 21 दूनी कितना होता है, 42, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, 24 इसका आंसर आएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 7 का एलसीएम आपका 42 होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 56, 84, 112 का एलसीएम कितना होगा, 56, 84, 112 का एलसीएम कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं 56, 84 या 112 का एलसीएम, 56, 84, 112 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका इनका और इनका चलिए गुणा करते हैं, 56 को किससे करेंगे, 7, 8, 56, इसके बाद कितने 84 को कितना करेंगे, 12, 7, 84, इसके बाद देखिए इसको 112 को किससे गुणा करेंगे, 8 गुना 7, 7, 8, 56 और 56 दूनी 112। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या का कॉमन निकलता है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन देखेंगे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 7 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, 7,
उसके बाद देखिए आठ कहाँ पर है, यहाँ पर आठ है, यहाँ पर आठ है, और कहाँ पर, यहाँ पर आठ, इसका एलसीएम निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये दो इसीएम निकल गए ना, दो और आठ में अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, आठ ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें तीन कॉमन निकल के आएगा, कितना तीन। अब तीन कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर जो 12 है यहाँ पर, ठीक है, जो 12 है उसको 4 से तोड़ेंगे, 4 दिया 12, तो ये 4 वाला जो है इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जो 3 बचा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 दिया 21, और 21 अट्ठे कितना होता है, 21 अट्ठे 168 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 168 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 अट्ठे 56, और 56 हो गया, 56 दिया 168, ठीक है, आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34, 51, 68 का एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। मैं आप सभी को बता दिया हूँ, अगर ये वाला ट्रिक से निकालोगे, है ना, ये वाला 68, एक मिनट ना, ये वाला ट्रिक से निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34, 51 और 68 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो बहुत लंबा ट्रिक चले जाएगा, ऐसे वाले निकालेंगे तो। मैं जो बताया हूँ ट्रिक बहुत ही आसान तरीका है, उसको बिल्कुल समझिएगा। देखिए 34, 51, 68 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक बार और समझिएगा, 34, 51 और 68, ठीक है, इनका कैसे एलसीएम निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 34 को किससे गुणा करेंगे, 17 दुना 34, ठीक है, 17 दुना 34, 17 3 51, 17 4 68, ठीक है। अब इसमें सभी में कॉमन क्या निकल कर रहा है, 17, और इसमें क्या निकल कर आया है जल्दी बताइए, इसमें क्या निकल कर आ रहा है, ये 4 है ना, तो इसमें और इसमें अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा, ये 3, ठीक है। तो 17 4 68, 68 दिया कितना होता है, 68 दिया 204 होता है, कितना होता है, 204। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड। ऐसी ट्रिक बिल्कुल समझ में आएगा, एक बार कोशिश करें, ठीक है, ऐसी ही चुटकियों में बनने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 37, 111 और 148 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए 37, 111 और 148 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत लंबा विधि हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन छोटा छोटा है शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 37, 111 और 148 का कैसे निकालेंगे, ध्यान से एक बार और समझिए, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार और एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। 37, 111 और 148 कैसे निकालेंगे, तो 37 का पारा कैसे पढ़ेंगे, 37 एक कम 37, ठीक है, और 37 से इसको किससे करेंगे, ये 37 है ना, 37 से अगर तीन बार में गुणा करेंगे तो 111 आएगा क्या, 37 दिया 111 बिल्कुल आ रहा है, 37 दिया 111 आ रहा है, ठीक है, 37 दिया 111, और ये कितना आएगा, 148 कैसे आएगा, तो देखिए 37 चौक 148, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या निकल कर आया, इसका एलसीएम क्या निकल कर आया, 37, ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। अब इसमें क्या निकल के आएगा, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपस में अगर विषम संख्या है और सम संख्या, तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 4 दिया 12, ठीक है। तो 37 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 7 84, यानी कि 4 और 12 3 36, यानी कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला, इसमें देखते हैं ऑप्शन 424 आएगा क्या, नहीं, एक मिनट, ये 4 इसका हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 444, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 18 और 21 और 28 का एलसीएम, ठीक है, देखिए इसको 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम, ठीक है, ध्यान से समझना, 12, 18, 21 और कितना है 28 ना। चलिए अब इनका एलसीएम निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। 1200 किससे गुणा करेंगे, 12 को 4 दिया 12, ठीक, उसके बाद करेंगे 9 दुनी 18, इसके बाद ये 21 किससे जाएगा, 21 7 21, 7 गुणा 3 7 21, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। और ये 28 किससे जाएगा, 28 7 4 28, अब इसमें कॉमन क्या क्या निकल के आ रहा है, देखिए कॉमन क्या क्या निकल के आ रहा है ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कॉमन निकल कर 7 7, हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर 7 गुना करें, ये 2 और 4 और ये 4, तो इनका 4 आएगा कॉमन, कैसे आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। इसका अगर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे,
इसका एलसीएम, और कि ये 9 बचा है और ये 3 बचा है, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 7 चौक 28 और 28 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28 252। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है, 252 इसका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। आप सभी को कमेंट कैसा लगा यहाँ पर बताए, सॉरी कमेंट बोलता हूँ यार, यहाँ पर देखिए वीडियो कैसा लगा, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा आप बताइए। उसके बाद आप सभी के लिए एचसीएफ वाला ट्रिक निकाल के लाएंगे, आज का क्लासेस है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समार्थक के क्लासेस, ठीक है। अरे एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सीजी व्यापम पीएससी की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है 26 सितंबर से, ठीक है। हॉस्टल वार्डन सब इंस्पेक्टर और एडीओ की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है 26 सितंबर से, एक नए समय पर 26 सितंबर से रात 8 बजे और सुबह 9 बजे की क्लासेस कराई जाएगी, न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, एमसीक्यू 1000 का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, 500 इंडियन जीके यानी कि भारत का संविधान, उसके बाद 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस करंट अफेयर रहेगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, आप जाके यूट्यूब पर सर्च करें, साथ ही वहां पर इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। ये 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी, ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। यहाँ पर छात्रा और अधीक्षक सब इंस्पेक्टर और एक नई बैच प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। अगर किसी भी जानकारी चाहते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, यहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, ठीक है। सीधा दिमाग में अगर घुस गया होगा, उतार लिए होगे तो बिल्कुल वीडियो के